बाकी चीज़ों में अटके हुए उससे बाहर निकले और ये दोनों यंग जो हमारे पास आए हैं, जो फ्यूचर है फिल्म इंडस्ट्री के आगे, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बेसिक ये है कि लोग जो है टेलीविजन से और ये मोबाइल से और वीडियो गेम से बाहर आए, सारा समय उसमें लगाते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है चश्मे से बाहर नहीं निकल रहे हैं, यही कॉन्सेप्ट। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस मगाड़ मस्ती का पूरा साल लोग इंतज़ार करते हैं और हज़ारों की संख्या में आज यहाँ पे लोग आते हैं। सबसे पहले तो मैं शॉक हूँ कि सुबह इतने सारे लोग आए हैं और कोई भी डल नहीं खड़ा है, सब इतने मस्ती में है। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा इवेंट है क्योंकि मोस्टली लोग आजकल सुबह उठते नहीं, स्पेशली संडे वाले दिन, तो आपने इतने सारे लोगों को उठा दिया और हम भी आ गए, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड इवेंट। आपको ये अब एक बार नहीं, साल में एक दो बार और करना चाहिए। असलम जी का जो विजन है इस इनिशिएटिव को लेके बहुत ही अच्छा है क्योंकि आज के दौर में टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया ने इतना टेक ओवर कर लिया है लोगों की लाइफ्स को कि उससे बाहर निकलना ज़रूरी है, रियल वर्ल्ड में आना ज़रूरी है, स्पेशली बच्चों के लिए। जो मतलब हम लोग फिर भी लकी थे कि हमारे जनरेशन तक मोबाइल उतना नहीं था, बट आज छोटे छोटे बच्चे आईपैड पे ही पूरे दिन लगे रहते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे बाहर निकलें, एक कम्युनिटी से जुड़े हैं, तो फिर वो बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल कर पाएंगे लाइफ में, वरना वो मोबाइल स्क्रीन पे ही रहते रहते आंखें भी ख़राब होंगी और ज़िंदगी भी। I'm very happy. This is the seventh year, I think, so it's going on. And we started, and we always have a message for people of country like that. We started with the kids who are suffering without food and dying, so we started giving them money. Then we started for the freedom fighter. So every year we have some concerts. This year we are with no drugs and all, because two things which has been infused in our country is drugs, and a lot of people into this, as he said. People are into a lot of mobiles and all, communications and all. They're not thinking about their health, their fitness and all. And in early ages, they are getting all affected by various diseases and all. I want everyone to come out of it. India had a culture of having a good physique, good health, and all farmers were there. So whatever Western cultures have affected somewhere in our country, I want to throw them back at it. ज्यावेळेस तुम्ही सुरुवात केली अपेक्षा होती का मोठ्या लेवलला हा कार्यक्रम जाईल, आणि जो महत्वाचा विषय आहे की जे जनजागृती या कार्यक्रमातून व्हायला पाहिजे, जे तुमची अपेक्षा होती ती पूर्ण होते का? नाही, 100% लोकांना एक प्लॅटफॉर्म हवे जिथे त्यांना हे सगळे सोडून आपल्याला काय, शेवटी लोकांना जर बाहेर काढायचं असेल दुसरा पर्याय द्यावा लागेल। आणि आज सकाळी जर 25-50 हजार लोक बाहेर पडत असतील आणि त्यामध्ये 60% जे तरुण पिढी आहे जे 15 ते 25 पर्यंत ते तुम्हाला इथे दिसणार, आणि हे जर बाहेर आलं तर कुठेतरी आपल्याला यश भेटलंय। आणि हे ड्रग्स विश्लेषणात जर तुम्ही बघायला गेला तर मग गरीब मुलगा असू दे किंवा श्रीमंत असू दे, ते कुठेतरी ड्रग्समध्ये कुठेतरी जात आहे कुठली इंडस्ट्रीमध्ये, म्हणून आपल्याला त्यांना बाहेर काढायचं। तर मला वाटतं बरेच तुमच्या सगळ्या सहयोगाने आपल्याला याच्यात यश मिळालेलं आहे। गदर 3 की बातें तो पहले मीडिया ने ही बता दी थी, फिर पब्लिक की भी अलग डिमांड थी, तो ऑब्वियसली वर्क तो चल रहा है, वो बहुत पहले भी बोल दिया था, वर्क चल रहा है, उस पर जारी है काम। बट इनके साथ एक और फिल्म कर रहा हूँ मैं, जर्नी, इनके साथ एक फिल्म कर रहे हैं हम जर्नी करके, एंड वो भी बहुत ही हार्ट वार्मिंग फिल्म है, फैमिली ड्रामा है, बट वो फिल्म आपको इतना हंसाएगी और उतना ही रुलाएगी। मैं आप दोनों जाना चाहूँगा, ये क्राउड या एनर्जी देखिए कहीं ऐसा लगता नहीं कि गदर 2 के प्रमोशन में हम आ गए? हाँ हाँ, एक डेजा वू सा हुआ कि हम वापस प्रमोशन में कहाँ से आ गए, क्योंकि अभी हम शूटिंग करके आए हैं जर्नी की, और अभी जीते मुस्कान थोड़े बैक एंड पे हैं एज कैरेक्टर, तो वापस वही मैं निकला गड्डी लेके बज रहा था और पब्लिक डांस कर रही है, तो एक सेकंड के लिए फ्लैशबैक तो जरूर, वो शायरी फिर याद कर, शायरी या डायलॉग याद करता हूँ। मुस्कान, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपकी मुस्कान को ऑडियंस भूल नहीं रही है, तो नए कैरेक्टर में क्या कुछ देंगे आप ऑडियंस को इस बार? नाइस क्वेश्चन, मुस्कान को इतना प्यार दे दिया है कि अब मुझे थोड़ा उससे ऊपर कुछ करना पड़ेगा, सो ये वाला कैरेक्टर उससे और भी ज्यादा फुल ऑफ लाइफ है और ये उतना एंटरटेन करेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू।